हे गाइस दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है आप देख सकते हैं सी बी में पूछा हुआ सवाल है तो आपके पेपर में भी दिख सकता है है ना कुछ न्यूमेरिकल डेटा चेंज करके सेम तो नहीं पूछते बट हाँ कुछ डेटा चेंज करके पूछ सकते हैं ना तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी सेवन एंड फोर्टी नाइन रेस्पेक्टिवली इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज फोर ट्वेंटी फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंट तो 420 वाला ये क्वेश्चन है है ना आप देख सकते हैं याद भी रख सकते हैं ओके okay. तो यार सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक बात बताइए फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है सेवन दैट मीनस ए कितना है सेवन दे रखा है ओके okay. और क्या दे रखा है लास्ट टर्म यानी कि ए एन बोलते हैं लास्ट टर्म को ए एन या फिर एल बोल सकते हो वो कितना हो ये कितना दे रखा है फोर्टी नाइन दे रखा है ठीक है सही है बोल रखा है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म है ना यानी कि एस एन टर्म कितना दे रखा है फोर ट्वेंटी दे रखा है यस yes. और पूछ रखा है कॉमन डिफरेंस बता दो है 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 ना कॉमन डिफरेंस ठीक बात बताओ दोन का फॉर्मूला क्या होता है और भी फॉर्मूला पढ़ा है क्या पढ़ा टू एन प्लस वन इंटू डी लेकिन यार हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है तो हम ये वाला फॉर्मुला यूज करते हैं SN, n कितना है 420. तो लिख लो क्या फोर ट्वेंटी इंटू टूल टू एन इन टू ए कितना है ए है सेवन और लास्ट टर्म कितना है फोटी नाइन ओके इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये एट हो जाएगा ये फोर हो जाएगा ये जीरो और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन और ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये बताइए फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स एन हो जाएगा अब यहाँ से एन निकालोगे क्या हो जाएगा एट फोर ज़ीरो डिवाइड बाई फिफ़्टी सिक्स टू से कैंसिल कर लेते हैं ये कितना हो गया टू टू जब फोर टू एट जिक्सटीन और ये कितना हो गया फोर फोर हो गया टू हो गया ज़ीरो चार सौ बीस ओके ये चौदह हो गया और ये कितना हो गया टू वन ज़ीरो सेवन हो गया ये कितना हो गया टू टेन जो ट्वेंटी और टू फाइव ज़र टेन यस और ये क्या कट रहा है कटता है क्या ये सेवन से वन जीरो फाइव सेवन वन जो सेवन ये थ्री सेवन फाइव ज़र थर्टी फाइव फिफ्टीन टाइम कट गया यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई फिफ्टीन आ गई ठीक है ओके तो मतलब ये कह सकते हैं यहाँ से एन की वैल्यू फिफ्टीन आई हमें निकालना गया है कॉमन डिफरेंस निकालना है एक बात बताओ लास्ट टर्म कितना दे रखा है लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे एन का मतलब फिफ्टीन आया डैट मीनस यही दे रखा है ना ए फिफ्टीन कितना दे रखा है फोर्टी नाइन दे रखा है कैसे क्योंकि लास्ट टर्म फोर्टी नाइन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म का जो सम है वो फिफ्टीन है डैट मीन एन फिफ्टीन आया मतलब ए यहाँ से ए फिफ्टीन फोर्टी नाइन है ए फिफ्टीन कैसे निकालेंगे ए और प्लस ऑफ क्या एन माइनस वन इनके फिफ्टीन माइनस वन इन टू क्या डी इज इक्वल टू क्या फोर्टी नाइन ए है आपके पास हाँ जी ए दे रखा है सेवन सेवन और प्लस यहाँ से फोर्टीन डी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या फोर्टी नाइन ठीक है यहां से फोर्टीन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको उधर भेज दो कितना हो जाएगा ये ये कितना फोर्टी टू यस और यहाँ से डी कितना आ जाएगा फोर्टी टू डी कितना आ गया थ्री फोर्टीन थ्री इज फोर्टी टू होता है और डी तो आपको निकाला था हैंस आपका निकल गया डी कॉमन डिफरेंस तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं है ना थोड़ा बस कर थोड़ा आप दिमाग लगाते है, हो जाता क्वेश्चन है ना बेसिकली बोल रखा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया था और हमने एक बार ये फॉर्मूला यूज़ किया सम का और एक बार जो एन एस टर्म का जो जो होता है उसका हमने इस्तेमाल किया और इजली हमारा क्वेश्चन हो गया और यार और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं तो प्लीज़ आप जाके एक बार प्ले में जरूर से देखिए है ना और और अगर आपका कोई लाइक आपका कोई प्रश्न सवाल है तो आप प्लीज़ है ना इंस्टाग्राम पे ज़रूर से पूछ सकते हैं है ना uh, मैं उसका 24 फोर आवर में ट्राई जरूर से करूँगा है ना आंसर देने का है ना और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट भी करिए कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है ना तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रखिए आप अपना बहुत सारा ख्याल है ना